अभी कुछ दिनों पहले एक यूट्यूबर ने ट्वीट किया कि उसे पर 1000 व्यूज के लिए $40 का सीपीएम मिल रहा है। मतलब अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो उस बंदे को 1000 व्यूज के लिए करीब 3200 रुपए मिले हैं, लेकिन इंडिया में किसी भी यूट्यूबर को आज तक इतना सीपीएम नहीं मिला है। बट वेट, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग भी हाईएस्ट सीपीएम कमा सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। इंडिया में तो ये पॉसिबल नहीं है, बट आप कमा सकते हैं। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग सबसे ज्यादा सीपीएम कमाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा आरपीएम चाहते हैं अपनी वीडियो पर, ओके, तो कुछ लोगों के ऊपर से ये बातें बाउंस जा रही होंगी कि सीपीएम और आरपीएम क्या बात कर रहा है ये। तो देखिए, आरपीएम का मतलब होता है रेवेन्यू पर माइल। अब यहाँ पर माइल का मतलब होता है 1000, तो मतलब आपको 1000 व्यूज पर कितने रुपए मिले रेवेन्यू पर माइल। और सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, मतलब आपको 1000 व्यूज के लिए कितने पैसे मिल सकते हैं। यहाँ पर गारंटी नहीं होता कि इतने ही मिलेंगे, लेकिन कितने मिल सकते हैं, तो इसको कहते हैं सीपीएम। लेकिन इंडिया में अगर बहुत ज्यादा हाईएस्ट सीपीएम होता है तो $1 से $2। अगर आप फॉरेन कंट्री के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप यूएस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर यूएस में ही चलता है ज्यादातर। तो अगर आप यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर लेते हैं तो आप आसानी से इतना सीपीएम कमा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप यहां पर बैठे बैठे वीडियो बनाएंगे तो यूएस में चल जाएगा। इसके लिए आपको उन लोगों के हिसाब से वीडियो बनानी होगी, यूएस वालों के हिसाब से, एंड उन लोगों की मेंटेलिटी क्या है ये आपको समझनी होगी। जैसे इंडिया में आप कुछ भी डाल दें, कुछ एंटरटेनिंग सा, वो चल जाता है। इंडिया में आप देखते होंगे जो लोग व्लॉगिंग करते हैं तो वो लोग फैमिली व्लॉगिंग को ही व्लॉग मानते हैं। आजकल यही बात हो गई है कि फैमिली व्लॉगिंग का मतलब व्लॉग। लेकिन यूएस में ये सब नहीं चलता। यूएस में बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि कोई फैमिली व्लॉग देखे। यूएस में ज्यादातर व्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि बाहर दुनिया को एक्सप्लोर करना, नए नए एडवेंचरस पर जाना, इनका मतलब होता है व्लॉग। तो अगर आप उन लोगों के हिसाब से कंटेंट बनाते हैं तो आपकी वीडियो वहां पर देखी जाएगी, एंड वहां पर काफी ज्यादा मैच्योर लोग हैं। अब मैच्योरिटी का मतलब यह है कि वहां पर इंटरनेट बहुत ही पहले आ चुका था, एंड वहां पर बहुत ज्यादा इंटरनेट के प्रति अवेयरनेस है, वहां पर लोग काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर इंडिया में आप देखते होंगे लोग कहते हैं रातों रात चैनल वायरल करें, रातों रात वीडियो वायरल करें, तो वहां पर ऐसी वीडियोस बहुत ही कम चलती है, वहां पर लोग काफी ज्यादा मैच्योर हैं। तो अगर आप उन लोगों के हिसाब से वीडियोस बनाते हैं, फिल्मिंग एंड फोटोग्राफी पर वीडियो बनाएं या फिर इन्वेस्टिंग वीडियो बनाएं, अगर आप वहां के स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं तो उस हिसाब से वीडियो बना सकते हैं, या फिर आप टेक्नोलॉजी के बारे में ही कि वीडियो क्यों ना बना रहे हो, लेकिन वहां के ऑडियंस के हिसाब से अगर आप टारगेट करके बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी वीडियो वहां पर देखी जाएगी। एंड आपको अपना जो कॉन्टेंट है वो इंग्लिश में ही बनाना होगा, एंड उसमें सबटाइटल जरूर ऐड कीजिएगा। और मैं आपको कुछ बहुत ही हाईएस्ट सीपीएम वाले कैटेगरी बता देता हूँ जो कि यूएस में बहुत ज्यादा कमाई करते हैं, मतलब उनका सीपीएम ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो नंबर वन पर है मेक मनी ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं यूएस ऑडियंस के लिए तो वहां पर आपको एवरेज $13 से $14 का सीपीएम मिल जाएगा। एंड अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो उस पर भी करीब $12 से $13 का एवरेज सीपीएम मिल जाता है। उसके बाद अगर आप एजुकेशन कैटेगरी में वीडियो बनाते हैं तो उसमें करीब $9 से $10 का सीपीएम मिलता है, या फिर अगर आप फोटोग्राफी, फिल्मिंग, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो वहां पर आपको करीब $8 का सीपीएम मिल जाता है। तो आप इन कैटेगरी में वीडियो बनाकर यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये पॉसिबल ना हो, बट जिनको इंग्लिश में इंटरेस्ट है, जिनको इंग्लिश बोलना आता है, या फिर जो लोग फॉरेन कंट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज रखते हैं तो वो इस कैटेगरी में वीडियो बना सकती है। काफी ज्यादा अर्निंग देखने को मिलती है। जब भी आप उनके लिए वीडियो बनाएं तो वहां पर आप हमेशा इंग्लिश टाइटल का यूज कीजिए, एंड वहां पर आपको बिल्कुल भी हिंदी लैंग्वेज नहीं यूज करना है, एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ इंग्लिश में होना चाहिए, सब टाइटल जरूर ऐड कीजिएगा। और अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में भी फाइनेंस एंड अर्निंग के कैटेगरी में सबसे ज्यादा सीपीएम होता है। अगर आप अर्निंग, स्टॉक मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं इंडिया में तो आपको करीब $2-3 का हाईएस्ट सीपीएम मिल सकता है। वैसे बहुत कम ही मिलता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसी कैटेगरी में आपको हाईएस्ट सीपीएम मिलेगा। तो अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं तो आप इंडिया में भी इस तरह की वीडियो बना सकते हैं, काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह भी काफी महंगे मिलते हैं। ओके, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में तो आप ये चीज अपना सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इंडिया में ही वीडियो बनाएंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है, बस आपका कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।